भाई 10 लाख वाला फेशियल कर दोगे? हैं, कितने वाला? 10 लाख वाला। अबे ओ भाई पागल हो गया क्या? 10 लाख वाला फेशियल कौन सा होता है? कौन सा होता है? अरे भाई अगर नहीं होता ना तो तुम एक काम करो, 10 लाख रुपए मेरे चेहरे पे खर्च कर दो ताकि मेरा चेहरा चमक जाए। 10 लाख? अरे ना भाई, हमारी दुकान में तो वैसे ही 10,000 रुपए का माल नहीं है और हमारे मालिक तो वैसे ही भूखे नंगे है। 10 लाख का खर्चा तुम्हारे चेहरे पे कहां से कर देंगे? अबे ओ ज्यादा एडवांस नहीं चल रहा तू? साले तुझे और मुझे ही तो पता हमारी दुकान में 10 लाख का माल है, इसे थोड़ी पता है, झूठ बोल के कर देते। इसका मतलब झूठ बोल के काम करना है? क्या क्या झूठ बोल के काम करना है? नहीं भाई साहब, हमारा मतलब तो फूल दे के काम करते हैं। जो हमारा कस्टमर होता है ना, पहले हम उसे फूल देते हैं, उसके बाद उसका काम करते हैं। अच्छा फिर ठीक है, साले अपनी जबान को कंट्रोल में रख ले। आ जाओ भाई साहब, आप बैठो यहाँ पे। तो बताओ भाई साहब, सबसे पहले क्या करें? भाई कुछ भी करो लेकिन मेरा चेहरा चमक जाना चाहिए, और इतना चमक जाना चाहिए कि ट्यूबलाइट भी फेल हो जाए। मालिक एक काम करते हैं, इनके चेहरे पर 4-5 लाइट बांध देते हैं, फिर इनका चेहरा इतना चमकेगा ट्यूबलाइट भी फेल हो जाएगी। क्या था ये, हंसना था क्या इस पे? जाके तौलिया लिया जाके। ला रहा हूँ, बकवास करवा लो बस इस पे। लो अब बावले मारेगा क्या इसे? जाके फुहारा लेगा पानी का, सारे उल्टे उल्टे काम करता है। अबे भाई तुम्हारा चेले मेंटल है क्या? अभी मार देता मुझे आ रही है। हाँ भाई साहब ये थोड़ा सा दिमाग से कमजोर है। अच्छा तुम ये छोड़ो, मुझे ये बताओ सच में 10 लाख रुपए लगाने के तुम्हारे चेहरे पे? अरे भाई सच बताऊँ तो 10 लाख वाली बात तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, मुझे मेरा चेहरा चमकावा चाहिए, अब चाहे कितने रुपए भी लगे, तुम बस मेरा चेहरा चमका दो, पैसे उठा से बिल्कुल लेके छोड़ दो। ये भी सही है, ठीक है ले बे चेले, भाई का काम कर। और सुन इसका बढ़िया करके काम करियो, आज इस गिराक से बहुत सारे पैसे उतारेंगे। ठीक है भाई साहब, ऐसे एक बात पूछूं? हाँ भाई पूछो। यार तुम तो इतने स्मार्ट हो, तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी। हाँ भाई हैं 4-5। साली भी बहुत सारी होंगी। हाँ भाई हैं। और भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बहनें भी होंगी, वो तो सिंगल होंगी ना? हाँ भाई सारी सिंगल है, लेकिन तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो? भाई जब से पैदा हुआ हूँ रंडवा घूम रहा हूँ, एक भी गर्लफ्रेंड ना बनी भाई, एक गर्लफ्रेंड बनवा दो प्लीज। अबे ओ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं मालिक, वो तो मैं भाई का दिल देख रहा था कितना बड़ा है। अबे चुपचाप काम कर ले, फालतू की बातों में लगा रहता है। भाई वैसे अपनी सालियों में से एक गर्लफ्रेंड बनवा दोगे ना मेरी? अरे भाई बनवा दूंगा, लेकिन पहले मेरा काम तो कर दो यार जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। भाई वैसे एक आखिरी बात और पूछूं? अबे यार बस आखिरी है, बस आखिरी, बस पूछो पूछो। भाई कहीं तुम कुंभ के मेले में तो नहीं खो गए थे? क्योंकि तुम्हें देख के मुझे अपने छोटे भाई की याद आती है। ओ भाई पहली बात तो है ना, तो मैं कुंभ के मेले में गया ना मैं खोया, तुझे बहुत देर हो गई रिश्तेदारी निकालते निकालते और बकवास करते करते, फटाफट से मेरा काम कर ले, मुझे लेट हो रहा है। अबे इधर आइए। अबे क्या बातों में लगा पड़ा, जल्दी से उस कस्टमर का काम करना, उससे पैसे उतारने, जल्दी कर। लो भाई हो गया तुम्हारा काम, चेहरा बिल्कुल चमक रहा तुम्हारा। साले आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ लिया, साले चोर यहाँ बैठा पड़ा, चल थाने। अरे दरोगा साहब क्या हो रहा है यहाँ, और इसको कहाँ लेके जा रहे हो? ये साला चोर है, चोरी करके भागा था, बड़ी मुश्किल से हाथ में आया है। दरोगा साहब ये चोर है, इसने तो 5-10 हजार रुपए का काम करवाया, वो पैसे कौन देगा? अबे ओए बड़ी मुश्किल से हाथ में आया, पैसे चाहिए तो थाने में आके ले लियो, चल रे। अरे भाई साहब मेरे पैसे। अरे तैया मेरी गर्लफ्रेंड फिर रह गई। तुझे गर्लफ्रेंड की लगी पड़ी है, हमारे पैसे निकल गए हाथ से। चल बे भादाटा, साले बहुत हो गई ओवरएक्टिंग तेरी। हाँ हाँ ठीक है चल, जल्दी से पुलिस वाले कपड़े तू बहन, अब की बार कस्टमर मैं बनूंगा। हाँ हाँ ठीक है बटले चल।